हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एलिकॉल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के स्टॉक की। इसका बिजनेस भी समझेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी चेक करेंगे और इसके फंडामेंटल भी जानेंगे। एंड में हम आपको निवेश की राय भी देंगे, इसलिए एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, कोई भी पॉइंट मिस मत करें। लेकिन सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। सो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन द आनंद गुजरात एंड दिस इज़ हैविंग स्पेशलाइजेशन इन द मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियन मैनुफैक्चरर ऑफ द मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स दैट इज़ इंडस्ट्रियल गियर सिस्टम्स एंड माइनिंग इक्विपमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है, एशिया की लार्जेस्ट कंपनी निकल कर आ रही है और डिफरेंट टाइप के हैवी इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। और ये जो कंपनी आप देख सकते हो 1951 में शुरू हुई थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसके देखें 565 हैं। और यदि इसके मार्च 22 के नंबर्स देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू में जरूर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, स्लाइट रिडक्शन देखने को मिली हुई है 5% के अराउंड, लेकिन नेट इनकम EPS और मार्जिन बहुत ही शानदार ग्रोथ शो कर रहे हैं। 46% से लेके 55% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है इन द नेट इनकम एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी सेम टाइप का पैटर्न शो कर रहे हैं, रेवेन्यू में स्लाइट रिडक्शन है लेकिन इनकम EPS मार्जिन में पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिली हुई है। और यदि सितंबर 21 के नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सितंबर 21 में भी इस कंपनी की पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिली हुई है। जून 21 में भी इसके नंबर्स ओवरऑल बहुत ही शानदार रहे थे। आप देख सकते हो रेवेन्यू, इनकम, EPS, मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम, सारे ही फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत ही शानदार ग्रोथ शो करते आपको दिख जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। पहले आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आज इस स्टॉक में नियरली 0.60% की रैली देखने को मिली हुई है और ये स्टॉक 252.5 रुपीस पे क्लोज हो गया है। यदि 5 डे का डाटा देखें 10.10% की रैली जो है इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। 1 मंथ में भी अच्छी रैली अब देखने को मिल चुकी है, ब्रेकआउट देखने को मिल चुकी है, 50.39% की रैली देखने को मिली हुई है। 6 मंथ का डाटा देखें 22.77% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। पहले इसमें करेक्शन चल रही थी लेकिन अब इस स्टॉक में ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिल चुका है। 1 ईयर का डाटा देखोगे तो यहाँ पे भी 100% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, मल्टी बैग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है डबल से ज़्यादा कर दिया है। 5 ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे और भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 315% के रिटर्न्स हैं। और यदि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें 256% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस स्टॉक ने 1 साल में ही पैसा डबल कर दिया है लेकिन अभी भी इस स्टॉक में 40% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो इस स्टॉक पे बाई की कॉल दे रहे हैं। तो आइए इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं कि सेक्टर के कंपैरेटिवली किस तरह की निकल कर आ रही है। दोस्तों यदि इस कंपनी की सबसे बड़ी हम स्ट्रेंथ देखें तो दिस इज द कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्ट्रांग है। यदि मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी का जो है 2820 करोड़ का निकल कर आ रहा है। PE रेशो 20 की चल रही है, सेक्टर की PE रेशो 19 की है। तो आप देख सकते हो सेक्टर के कंपैरेटिवली जो स्टॉक है बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। स्लाइटली इसकी वैल्यूएशन हाई है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है क्योंकि प्राइस टू बुक रेशो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2.69 की है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.56% का निकल कर आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ और पैरामीटर डिटेल में स्टडी कर लेते हैं जहाँ पे हम प्राइस परफॉर्मेंस आपको शो करेंगे 1 वीक से लेके 3 ईयर तक का डाटा। तो बहुत ही कंसिस्टेंट डाटा देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ही इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर निकल कर आ रहा है।
आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पैटर्न भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो 2021 के कंपैरेटिवली 22 में इस कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। 21 में इसका जो रेवेन्यू था 1044 करोड़ था, जो कि 22 में बढ़ के 1203 करोड़ हो गया है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल चुका है इन द ईयर 2022। तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा जंप इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री भी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही इंटैक्ट है। बीच में 2021 में जरूर स्लंप आया था ड्यू टू द कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन 22 ने इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी रिकवरी भी शो कर दी है। सिमिलरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी के रेवेन्यू में भी रिकवरी देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिल चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर मार्च 22 में, और आप देख सकते हो मार्च 21 के कंपैरेटिवली मार्च 22 में इसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, और दिसंबर 21 के कंपैरेटिवली भी यहाँ बड़ा जंप देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल्स आर लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग नाउ, अच्छी रिकवरी इसके फाइनेंशियल्स में देखने को मिली है। तो शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे भी अच्छा मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। DIIs और FIIs ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और यदि इसका डिटेल एनालिसिस करें तो जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने 0.01% शेयर जो है वो अनप्लेज्ड कराए हैं, और टोटल प्लेज्ड शेयर 11.28% हैं, और उनकी जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो इंक्रीज़ हो गई है फ्रॉम 59.21% टू 59.26%। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी अनचेंज्ड है। यदि इसकी वैल्यूएशंस कंपेयर करें डिफरेंट पीयर्स के साथ, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशंस है, PE रेशो देख लो या आप प्राइस टू बुक रेशो देख लो, लेकिन ROE परसेंटेज बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया है, डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे ROE परसेंटेज में देखने को मिल जाएगी, 13.37% की ग्रोथ है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी लो है 0.10 है। तो क्लियरली ये जो कंपनी है एक लो डेब्ट कंपनी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, ROE परसेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया है, और इसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स आए हैं दे आर आल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव, और टेक्निकली भी अब इस स्टॉक में जो है वो ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिल गया है। ये सारी इंडिकेशन दोस्तों शो कर रही हैं कि इस कंपनी में आने वाले टाइम में बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी इस स्टॉक में 40% के अराउंड जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो इस पर बाई की कॉल दे रहे हैं, और उनका कहना है ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो है वो आपको देता दिख सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग हैं, लेटेस्ट फाइनेंशियल्स आर लुकिंग आल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव, और टेक्निकली भी इस स्टॉक में अब अच्छा ट्रेंड देखने को मिल गया है। ये सारी इंडिकेशन यही शो करती हैं कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में बड़ी ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगी, बड़े टारगेट भी हिट होते दिखेंगे, इसका वॉल्यूम भी बहुत ही स्ट्रांग निकल कर आ रहा है, और इस स्टॉक ने 6 मंथ का जो कंसोलिडेशन पीरियड कंसोलिडेशन जो रेंज था उसको ब्रेकआउट कर दिया है विद स्ट्रांग वॉल्यूम्स। तो ये एक इंडिकेशन है आने वाले टाइम में टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में जो है 285 से लेकर 90 तक टारगेट आपको एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और आप अपना 25 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में जो है वो 285 से लेकर 90 तक के टारगेट जो है वो के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक रहेगा, लास्ट 1 ईयर में भी इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। सो थैंक्स अगेन।